डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार विकास। डॉक्टर साहब, आपने पिछली बार हमें ओल्ड एज में बोन्स की वीकनेस के कारण होने वाले हिप फ्रैक्चर्स के बारे में बताया था और प्रिवेंशन के बारे में बताया था। आज आप हमें टाइप्स ऑफ हिप फ्रैक्चर के बारे में बताएं प्लीज। ओके विकास, अगर हम हिप फ्रैक्चर्स को क्लासिफाई करना चाहें तो हम उसे दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर वन क्लासिफिकेशन है कि हिप फ्रैक्चर का जो एरिया है वो क्या है। हिप एक बड़ा एरिया है और उसके डिफरेंट रीजन्स होते हैं, तो हम हिप फ्रैक्चर को दो प्रकार के फ्रैक्चर्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर, एक होता है फ्रैक्चर इंटरट्रोकैंट्रिक। दोनों ही फ्रैक्चर्स डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में लेंगे। और दूसरा क्लासिफिकेशन है कि हिप फ्रैक्चर हुआ कैसे है, मतलब कि क्या गिरने के कारण हिप फ्रैक्चर हुआ है, या कई बार हम देखते हैं हमारे एल्डरली पेशेंट्स में स्पॉन्टेनियसली हिप फ्रैक्चर हो जाता है। स्पॉन्टेनियसली मतलब कि हिप में धीरे धीरे तरेड़ आ रही है और वन फाइन डे वो तरेड़ कंप्लीट हो जाती है, फ्रैक्चर कंप्लीट हो जाता है और हमारे जो एल्डरली पेशेंट है वो गिर जाते हैं। मीन्स फ्रैक्चर इज नॉट कॉज्ड बाय द फॉल, बट द फॉल इज कॉज्ड बाय द फ्रैक्चर। तो ये दोनों ही चीजों को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। पहले हम टाइप ऑफ हिप फ्रैक्चर बात करें कि किस पोजीशन में होता है। तो फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर जो है वो हमारी जो थाई बोन है उसकी जो बॉल है उसके ठीक नीचे जो उसकी नेक है, गर्दन है, वहां से फ्रैक्चर होता है। ये फ्रैक्चर जॉइंट के अंदर होता है, तो इसलिए इस फ्रैक्चर का एल्डरली पेशेंट में जुड़ना लगभग इम्पॉसिबल है। जब हम एल्डरली की क्लासिफिकेशन करते हैं तो इट इज अराउंड 55-60। जुड़ना क्यों इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो हड्डी का पानी है, जो जॉइंट का पानी है, वो उस फ्रैक्चर के हेमेटोमा को वॉश ऑफ कर देता है और इनवेरिएबली ये फ्रैक्चर नॉन यूनियन में जाता है। और अगर जुड़ भी जाए तो धीरे धीरे बॉल कोलैप्स हो जाती है, जिसको हम एवास्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। दूसरा ही फ्रैक्चर इसके नियर बाय है, थोड़ा सा डिस्टली एक एरिया होता है जिसको हम इंटरट्रोकैंट्रिक एरिया बोलते हैं, वो थाई बोन का अपर एंड, जो ब्रॉड अपर एंड है उसका फ्रैक्चर होता है। जनरली ये फ्रैक्चर जो है हमारे एल्डरली में, जो और एल्डरली है यानी कि नेक फीमर अगर कॉमन एज ग्रुप है 55 to 60-65, ये फ्रैक्चर अराउंड 65 to 75 की एज ग्रुप में, 85 की एज ग्रुप में ज्यादा कॉमन है। ये फ्रैक्चर जनरली स्पीकिंग मार्कर होता है ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस का। और इस फ्रैक्चर में, जिस एरिया में ये फ्रैक्चर होता है उसमें हीलिंग पोटेंशियल अच्छा होता है, इसलिए इस फ्रैक्चर को हम जनरली फिक्स कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, दोनों ही फ्रैक्चर्स चलते फिरते हमारे बुजुर्ग को बेड रिडन करने में सक्षम है और इनका ट्रीटमेंट प्रॉपर होना जरूरी है। अब हम अगर टाइप ऑफ ट्रॉमा की बात करें तो दो तरीके से हम फ्रैक्चर क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर, मतलब हमारे बुजुर्ग चलते चलते फिसले, गिरे और वो फ्रैक्चर हो गया। और दूसरा है नॉन ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर और स्ट्रेस फ्रैक्चर, यानी कि बोन में कमजोरी के कारण, वीकनेस के कारण धीरे धीरे एक तरेड़ आ रही थी, वो कंप्लीट हो गई और एक दिन जस्ट उठते उठते ही वो कंप्लीट फ्रैक्चर हो गया और पेशेंट गिर गया। इन दोनों ही फ्रैक्चर्स को आपको तवज्जो देनी जरूरी है, बिकॉज अगर स्ट्रेस फ्रैक्चर हम टाइमली डिटेक्ट कर लें तो एक मेजर सर्जरी से हम बच सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छे से आपने हमें दोनों तरह के फ्रैक्चर के बारे में समझाया और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो हमारे दर्शकों को, पेशेंट्स को या उनके फैमिली मेंबर्स को कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विकास।